भारत में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी होती नजर आ रही है। कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या लगातार 10वें दिन 1,00,000 से कम दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि तीसरी लहर मार्च में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और चौथी लहर आने की आशंका बहुत कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,615 नए मामले दर्ज किए गए। इससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,27,23,558 हो गई, जबकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम होकर 3,70,240 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 514 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,09,872 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में ये भी बताया गया कि भारत में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.87% है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.94% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 52,887 मामलों की कमी दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीसरी लहर के आंकड़ों से मार्च के अंत तक शताब्दी की इस महामारी से निजात मिलने के संकेत मिल रहे हैं। उनके मुताबिक भारत में तीसरी लहर की तीव्रता के बावजूद इसके ज्यादा घातक नहीं होने के ठोस वैज्ञानिक कारण हैं और वही कारण भविष्य में चौथी लहर को रोकने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के दौरान भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में संक्रमितों की कम संख्या, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की कम जरूरत और कम मौतों के पीछे भारत में बड़ी आबादी में बनी हाइब्रिड इम्यूनिटी जिम्मेदार है। तीसरी लहर के बाद यह हाइब्रिड इम्यूनिटी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। दरअसल कोरोना से बचाव में दो तरह की इम्यूनिटी काम आती है। एक तो सामान्य संक्रमण के बाद व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी बनती है, जो भविष्य में संक्रमण से बचाव में काम आती है। दूसरी वैक्सीन के कारण भी शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनती है। अगर किसी व्यक्ति में वैक्सीन और सामान्य संक्रमण दोनों तरीके से इम्यूनिटी बनती है तो उसे हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जाता है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दुनिया भर में वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी कोरोना से बचाव में सबसे ज्यादा कारगर है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।